नौशीन शाह की प्रोडक्शन है और मैं चॉइसेस दे रही हूँ इसमें से कास्टिंग करनी। ओह माय गॉड। माहिरा और महविश। माहिरा और महविश। आर यू सीरियस? आर यू गोइंग टू डू दिस टू मी? आई लव बोथ ऑफ देम। अगर रोल होगा नो नो यू हैव टू जस्ट टेक वन नेम। डू आई रियली हैव टू टेक जस्ट वन नेम? माहिरा। सबा कमर सजल। सबा कमर। इकरा अजीज मावरा। Iqra Aziz and Mawra. Iqra Aziz and Mawra. A movie hai? Whatever. Your no, production. My production. Iqra Aziz. Mawra or the other sister? Mawra. Mawra, Iqra Aziz. I don't know. I don't know. You have to. Both? No, you can't have both. इतना बजट नहीं है। इतना बजट नहीं है। कम बजट है। They both are very expensive ना। पर एक ही। मैं कोई नहीं कर। मैं काम मेरे पास बजट है। You have to take a name, Nausheen. I think Iqra. Both Mawra. Kubra और Ayman. Kubra और Ayman. Kubra. Kubra. Ayeza Khan और Hania. Is that even a question? Are you seriously asking me this? Is that even a question? Ayeza Khan or Hania? Of course, Ayeza Khan. Why would you? Okay. Sonia Hussain or Harim? Sonia Hussain, for sure. Humayun Saeed or Nauman Ijaz? I would rather jump from the window or kill myself, but I can't choose one. Both. Humayun Saeed or Nauman Ijaz? मेरा ड्रामा है, मेरी प्रोडक्शन है, मैं दो रोल क्रिएट करूंगी। बोथ। You have to choose one, and that's the game. Oh my God, don't do this to me. This is tough. This is really tough. ये बहुत tough। चलो फिर नौमान को दे दो, he's senior. हाँ, and I love him. फैसल रहमान और फैसल कुरैशी। Shut up! I'm not going to play this game, okay? You're being very hard on me. फैसल रहमान और फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। Damn girl, don't do this. Okay, see, I don't. I've seen Fawad on TV multiple times, but I never met him personally. I worked with Fahad, and I think Fahad is somebody who's a complete package. He's handsome, good-looking, good actor. Awam ka लाडला मेरा अपना चाहिदा मेरे घरवालों का चाहिदा मेरी वालदा का या फहद मुस्तफ़ा एनी डे एनी टाइम। अहद रजा बिलाल अब्बास। बोथ। इसमें चूज़ नहीं करूँगी, इसमें आई एम सॉरी, आई कांट चूज वन। ज़ारा तरीन और उज़मा हसन। आई कांट चूज वन, सॉरी, दे बोथ आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। तुमने मेरी गेम का बेड़ा गर्क कर दिया। नो नो, आई कांट चूज। आई थिंक बोथ द गर्ल्स, in fact about Zara and Uzma, especially about Zara Darin, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि उनसे ज़्यादा बेहतरीन एक्ट्रेस हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। है, बिल्कुल है, उज़मा है। तुम्हारे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री में वैसे वो अंडररेटेड एक्ट्रेसेस कौन हैं जो डिज़र्व करती हैं बहुत ज़्यादा काम? You are, I agree. Zara Tareen। ज़ारा का मैंने पहली दफ़ा जब प्रोजेक्ट उनका एक था देखा था। पता है ज़ारा तरीन का पहले भी मेरे शो में कोई बोल के गया भला कौन? नुमान एजाज। मुझे हाँ, या आई नो एंड ही इज 110% राइट। I don't. मैंने देखा नहीं उसका काम। You know me? Yeah. I don't lie. मुझे वो नहीं होता। And why would you lie? No, people do lie. They like buttering. I'm not one of those people. Zara is somebody. She has a personality. She's beautiful. She's educated. She's intelligent. She has a very, very solid personality, and she knows how to act. That girl seriously knows how to act. Allah की तरफ से उसमें एक ये एक कमाल की बात है कि वो बड़ी एक होती है ना पावरफुल पर्सनालिटी, वो ऐसे आती है सामने कि अगले वाले को डोमिनेट कर दे। She is that strong. I saw her first serial and I was like blown away. I was like, who is she? Who's this woman? And then I met her at a friend's house. और मैंने कहा कि भाई आप तो बहुत ही कोई कमाल की अदाकारा है। बट हमारी बदकिस्मती, हमारे शोबिज़ वालों की सोच पे हैरत है और मुझे अफसोस होता है कि चाहे उज़मा हसन हो, चाहे ज़ारा तरीन हो, चाहे और भी यासरा रिजवी हो, ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत कमाल का काम करती हैं, और ये वो एक्ट्रेसेस हैं ना कि सिर्फ कमाल का काम करती हैं, पढ़ी लिखी हैं। ये ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली बात हो गई। दे आर नॉट जस्ट प्रिटी फेसेस, आई एम सॉरी, दे आर एजुकेटेड गर्ल्स, दे हैव सीन द वर्ल्ड, दे नो हाउ टू एक्ट। मेरे जैसा अगर आप मुझसे पूछें, अगर मेरे पास पैसे हों, मेरे पास प्रोडक्शन का कोई सीन हो, मैं इन लोगों को बुला लिटरली इनके साथ कहानियाँ करूँ। अभी तक शादी क्यों नहीं की? यह सवाल तो मैं पूछूंगी बड़ी बहनों की तरह। आई थिंक शादी इज़ अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर इट, डोंट गो फॉर इट। ओनली गो फॉर इट व्हेन यू जेन्युइनली फील दैट यू आर रेडी फॉर इट। इफ़ यू फील लव फॉर समबडी, go for it, dive into it. It's a gambling, you know, whether it's going to work, I don't know, चलेगी नहीं चलेगी अल्लाह को पता है। But मैं शादी तभी करूँगी जब मुझे पता होगा कि मुझे इस इंसान से मोहब्बत है और इसकी शिट मैं ले सकती हूँ। And what are you looking for? A soulmate, a good companion. क्या उसमें खासियत होनी चाहिए? पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, respectful हो, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, एक अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसकी खुद की वॉइस, उसको अपनी आवाज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, ओपिनियनेटेड हो, थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो तो आई डोंट माइंड, बट ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ मी। नौशीन, तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ क्या है ज़िंदगी का? सबसे बड़ा खौफ ज़िंदगी का? वाओ, ओह दैट्स अ हेवी वन, लूजिंग माई फैमिली। सबसे बड़ा पछतावा? पढ़ाई पूरी ना करना। नौशीन, तुम्हारा ख्वाब क्या है? ख्वाब क्या देखती है नौशीन? नाउ आई वॉन्ट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, नंबर वन। नंबर टू, आई वॉन्ट टू गिव एवरी पॉसिबल थिंग टू माई पेरेंट्स बिफोर आई डाई और बिफोर आई मैरिड। आई वॉन्ट टू जस्ट गिव, आई डोंट नो, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी, मैं पता नहीं क्यों मेरा ये दिल करता है कि अल्लाह ताला मुझे इतने पैसे दे दें कि मैं दुनिया की हर खुशी, हर चीज़ अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप के कदमों में ला के डाल दूँ। और जब मैं रोडों पे लोगों को, बूढ़ों को, बच्चों को देखती हूँ तो मैं फिर अल्लाह की तरफ भी देखती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों है, ये इधर, और जो जिनको इधर होना चाहिए वो नहीं, और जिनको नहीं होना चाहिए वो हैं। तो ये थोड़ा, किसको होना चाहिए वहाँ? आई फील कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नाजायज़ होता है लोगों के साथ। तो मेरी ख्वाहिश ज़िंदगी की यही है कि बस अल्लाह मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं जिस चीज़ की मदद कर सकती हूँ, घर तो है ही ऑब्वियसली, मैं हर किसी की मदद करूँ, मैं पेन में नहीं दे सकती। थैंक यू सो मच नौशीन, और खुदा करे आपके सारे ख्वाब पूरे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। प्लेजर। Thank you. और नाजरीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और स्टार के साथ इफ़त उमर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगी। खुदा हाफ़िज़।